वेलकम टू अर्पिताज क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हैंड पेंटेड बैग, जिसके ऊपर मैंने मधुबनी आर्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। मेरे पास ये हैंडमेड एक येलो और ब्लैक से फ्रिल दिया हुआ एक बैग है, जिसके ऊपर मैंने पेंसिल से पहले जो मुझे ड्रॉ करना है वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। पहले हम लोगों को बेस कलर भरना ज़रूरी है, तो मैं ब्लैक से पूरा एलिफेंट को फिल करूँगी। मुझे जहाँ जहाँ पे वाइट हो ब्लैक हो मुझे बेस कलर भरना है, क्योंकि बेस कलर भरने के बाद ही जब कलर सूख जाता है उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर पेंटिंग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बेस कलर को भर लेंगे ब्लैक। जहाँ जहाँ पर मुझे वाइट भरना है वहाँ पर मैं खाली छोड़ रही हूँ, वहाँ पर वाइट से बेस करना है मुझे। इसी तरह से मैं पूरा बेस कलर कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ब्लैक कलर से बेस कर चुकी हूँ, और जहाँ पे मुझे वाइट करना है वहाँ पे मैं खाली रखी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ वाइट कलर से एलिफेंट के जो सर पे एक डिज़ाइन कर रही हूँ। ये मधुबनी पेंटिंग है इसलिए थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन होगा, छोटा छोटा काम रहेगा। फिर मैं वाइट कलर से बेस बना रही हूँ। मैं फ्लावर यहाँ पे रेड बनाऊँगी, लेकिन फ्लावर रेड के पहले मैं यहाँ पे वाइट कर रही हूँ ताकि वो रेड थोड़ा और निखर के आए। उसके बाद मैं थोड़ा छोटा छोटा बर्ड्स की पेंटिंग कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पत्ती बना रही हूँ, लीव्स। मुझे पेड़ में बड़े बड़े लीव्स देने थे, तो यहाँ पे भी अब इसका भी बेस मैंने कर लिया है पेड़ का। देखिए उसके बाद मैं रेड कलर से बेस कलर सूखने के बाद ही फिर कलर चढ़ाना होता है। तब मैं बर्ड का जो छोटा छोटा काम रहता है इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए छोटा छोटा सिंपल सा डिज़ाइन देके इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं एलिफेंट में काम करूँगी, जो छोटा छोटा काम करना है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, अपने मन से मैंने किया है। और एलिफेंट का आई भी करना है। वाइट कलर का बेस मैं लगा के रख दी हूँ ताकि ये सूख जाए, उसके बाद में फिर इसके ऊपर ब्लैक करना है। तो पहले बेस जो मुझे करना है उसको पहले करके रख देना है ताकि वो सूख जाए, उसके बाद ही फिर मुझे उसके ऊपर काम करना है। इस तरह से ही करना होता है, नहीं तो फिर पेंटिंग बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे भी अच्छा सा कोई सिंपल सा डिज़ाइन करते हुए भी मैं इसको फील करूँगी। ये जो छोटा छोटा काम है ये 0000 का ब्रश लेके इसको धीरे धीरे करना होता है ताकि ये अच्छा सा बने, नहीं तो फिर से इसको वाइट कलर करके फिर से करना होगा। इसलिए धीरे धीरे करना है, जो भी डिज़ाइन करना है धीरे धीरे करना होता है। अब मैं एलिफेंट के जो पूंछ है वहाँ पे भी छोटा छोटा डिज़ाइन कर दूँगी। पूरे एलिफेंट को ही सजाना है क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग में जितना काम किया जाएगा वो उतना ही सुंदर लगता है, इसलिए इसको पूंछ हो पैर हो सब में डिज़ाइन देना है थोड़ा थोड़ा करके। पूरे एलिफेंट में भी डिज़ाइन दूँगी। अब मैं पेड़ में डिज़ाइन करूँगी। लीफ को पहले इस तरह से ब्लैक कलर को लेके आउटलाइन कर लेना है और पत्ती को पेड़ के ब्रांचेस से जोड़ देना है। उसके बाद मैं इस तरह से कचनी करते हुए कचनी जो है मधुबनी का एक पार्ट है जो डिज़ाइन किया जाता है। कचनी से सिंगल लाइन खींच के इसको कचनी बोला जाता है। इसी तरह से मैं पूरे लीव्स में करूँगी, ठीक इस तरह से करना है। और जीरो नंबर की ब्रश है मेरी। उसके बाद मैं फ्लावर्स जो रेड कलर का किया था तो उसको भी ब्लैक कलर से आउटलाइन करना है। तो देखिए बैग बनके तैयार है, कितना ब्यूटीफुल बनके तैयार है।
जब मैं हम लोग बेस कर रहे थे तब अलग था, अब जब तैयार हो गया तब अलग लग रहा है। ये बैग बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है, बस छोटा छोटा काम करके इसको खूबसूरत बनाना है। अगर आप लोग हमारे बुटीक से कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, हैंड पेंटेड हो, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, तो मेरा नंबर जो है वीडियो पे दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो कांटेक्ट कीजिएगा। हर एक प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों के यहाँ पे, हैंड पेंटेड और हैंड एम्ब्रॉयडरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।